तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे कि बस का सफ़र कैसा होता है। हर एक स्टेशन मैंने आप इसमें दिखाने की कोशिश की है, तो इस व्लॉग के साथ बने रहना। और अब मैं पहुंच चुका हूँ सेंज। यहाँ से शिमला 100 किलोमीटर दूर है। तो फाइनली दोस्तों जाबली में बस रुक चुकी है। तो इस स्टेशन को कहते हैं जाबली। तो यहाँ पे जितनी भी बसेस आती है, चाहे वो गवर्नमेंट बसेस हो चाहे वो प्राइवेट बसेस हो, तो यहीं पे बसेस रुकती है। तो हमारी बस भी यहीं पे रुकी है, देख सकते हैं। तो लंच करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली मैं ढाबे में पहुँच चुका हूँ और मैंने चाउमीन ऑर्डर करा है। यहाँ का चाउमीन काफ़ी अच्छा बनता है और सूप भी मिलता है। तो पहले करते हैं लंच। चाउमीन खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। सूप भी बहुत टेस्टी बनता है यहाँ का। तो अब पहुँच चुके हैं कुमारसेन। ये वाला रास्ता कुमारसेन बस स्टैंड की ओर जाता है। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं खूबसूरत वादियों में, जिसका नाम है नारकंडा। यहाँ पे देयार के काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ है और यहाँ का रास्ता बहुत ही साफ है और बहुत ही सुंदर है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ठियोग बाजार। तो यहाँ से शिमला है 35 किलोमीटर। तो दोस्तों चल पड़े हैं अब हम शिमला की ओर। ठियोग में कम से कम 5 से 10 मिनट ये बस रुकी हुई थी। अब मिलते हैं आपको शिमला में ही। तो चल पड़े हैं हम शिमला की ओर। इंतज़ार नहीं हो रहा अब तो कि कब हम शिमला पहुँचे। शिमला पहुँचने का बेसब्री से इंतज़ार है दोस्तों। और आपने बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये सफ़र कैसा लगा। आई होप आपको ये सफ़र काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो बने रहना इस ब्लॉग के साथ।
तो देख सकते हैं बस में डीजल कैसे भरवाते हैं। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, तो बस में इस तरह से डीजल भरवाया जाता है। कम से कम 10,000 का इसमें डीजल भरवाया जा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं बाईपास। तो दोस्तों ये है संजौली बाजार। तो अब हम पहुंच चुके हैं छोटा शिमला पहुंच चुके हैं गाइस। तो दिखाएंगे आपको छोटा शिमला का बाजार भी। दोस्तों मैं शिमला तो पहुंच चुका हूं, अभी मैं टॉल लैंड उतर चुका हूं, बिकॉज़ मुझे न्यू बस स्टैंड तो जाना नहीं है। अभी मैं यहां से ओल्ड बस स्टैंड की ओर जाऊंगा, देन वहां से समरहिल के लिए बस पकड़ूंगा। तो मिलते हैं आगे। तो गाइज आई होप आपको किन्नौर से लेकर शिमला तक का सफ़र काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है हर एक स्टेशन को दिखाने की, किन्नौर से लेकर शिमला तक जितने भी स्टेशन आए मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो इस जगह को टॉल लैंड बोलते हैं।